सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हाथों की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। खुशी एक महक की तरह होती है, जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसीलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। आज का पंचांग 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। रात्रि 8:06 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र दोपहर 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:25 से 2:04 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 11:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार, व्यावसायिक रूप से यह बेहतर, व्यावसायिक रूप से यह बेहद रोमांचक क्षण है। आपको अपनी कड़ी मेहनत और नेतृत्व के गुणों के लिए पहचान मिलेगी। मिलने वाली प्रशंसाओं का मजा लें। आपने असफलता खुद कमाई है। स्थिति में बदलाव क्षितिज पर हो सकता है। पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि का आनंद लें। आज खुद के लिए कुछ समय निकालें। कई समय से आप अपनी स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अगर आज आपको कोई परेशानी होगी तो आपके दोस्तों और प्रियजन उससे उभरने में आपका साथ देंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन निवास करता है। संतान की प्रगति से संबंधित शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। आपको अपनी किसी विशेष योग्यता और काबिलियत के बल पर कोई खास उपलब्धि भी मिलने वाली है। सामाजिक और राजनीतिक संपर्क भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। काम से संबंधित परिवार के लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें। परिवार के लोग कमजोर क्यों बन रहे हैं ये समझना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए जो लक्ष्य है उन्हें पूरा करने के लिए दूसरों की मदद ले सकते हैं। पैसों से जुड़े निर्णय लेना आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। करियर संबंधित जो निर्णय आपको लेना है उन्हें अमल में लाने से पहले आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएं। रिलेशनशिप की वजह से जो दिक्कतें हैं वह धीरे धीरे दूर होगी। महिलाओं को सेहत संबंधित तकलीफ रह सकती है। सावधानियां, पड़ोसी अथवा मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। आवेश और गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें। फाइनेंस से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी। अगर वाहन अथवा प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री संबंधित योजना बना रहे हैं तो अभी उसे टालना बेहतर होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में आपसी प्रयासों से सुखद और व्यवस्थित माहौल रहेगा। युवा वर्ग को डेटिंग का अवसर मिल सकता है। रोमांस में समस्याओं के कारण आज आप अकेले रहना चाहते हैं। सब्र रखें, यह चरण अस्थायी है और जल्दी ही आपके प्यार का गुलशन भी महकेगा। अपने आउटलुक और व्यक्तित्व को बदलने से आपका साथी आपकी ओर अधिक आकर्षित होगा। सितारों के अनुसार आज आपका अन्य लोगों से मिलजुल हो सकता है। निकाल कर स्वयं पर भी ध्यान दें। आपके प्रियजन आपकी मुसीबतों में साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपके रिश्ते में कुछ खटास है तो एक मुस्कान, सॉरी या प्रशंसा के दो बोल आप दोनों को फिर से एक एक कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। इस समय भगवान आप पर खास मेहरबान है और आपको प्रसिद्धि व रैंक में बढ़ोतरी का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने नेतृत्व में कंपनी को शीर्ष तक ले जाने में सक्षम हैं। बस खुद पर भरोसा रखें। कार्य वो करें जो धन ही नहीं बल्कि संतुष्टि भी प्रदान करता हो। यह दिन आपके लिए सुनहरी रोशनी की तरह है। इसकी शुरुआत एक गुप्त संबंध या मीटिंग से हो सकती है। यदि आप परेशानी में हैं तो इस बुरी स्थिति से बाहर निकलने में अपने परिवार या मित्रों की मदद लें। किसी भी व्यक्ति के
प्यार करने की तुलना में समस्या को हल करने की अधिक महत्व दी। बात करते हैं सेहत की। कब की समस्या बढ़ने पर लापरवाही ना ली, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मौसम के अनुकूल अपना आहार विहार रखें। महिलाओं को सेहत संबंधित तकलीफ भी रह सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को हलवे का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।